और भी प्रदेश में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। पारा 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है। आलम यह हो चुका है कि अब लोग घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। डॉक्टर अब बढ़ती गर्मी को लेकर सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। अंबाला के सीएमओ डॉक्टर राकेश सहल का उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। में जो हीट वेव है पूरी तरह से जारी है और लगातार जो है तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जहां आम जन परेशान हो रहे हैं, वहीं जो गर्मी है वो अपना पूरा प्रकोप दिखा रही है। आज इस गर्मी से कैसे बचा जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम अपने अंबाला के सीएमओ डॉक्टर राकेश सहल से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की एडवाइजरी है जो पब्लिक के लिए जारी की जा रही है ताकि वो गर्मी से निजात पा सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी आए दिन बढ़ रही है और लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी भी फैल रही है, इसमें बीमारी फैलने का भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है, तो क्या कुछ एडवाइजरी है जो विभाग की तरफ से जारी की गई है? देखिए, हरियाणा सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरीज हमारे पास आती रहती है, हम आगे सभी को प्रेषित करते रहते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया, ये बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उससे संबंधित जो सभी दिक्कतें हैं वो आपस में उसी कारण से बढ़ जाती हैं। सबसे पहले तो सभी को आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि अगर धूप में अगर बहुत ज़रूरी है तभी आपने बाहर जाना है, वरना नहीं जाना है। और उसके अंदर से सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का, 4 बजे तक का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस गर्मी का टाइम होता है, तो अगर ज़रूरत हो काम पे तभी जाइए। सिर को कवर रखिए और सबसे इसके अंदर ज़रूरी ये होता है कि क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, धूप बहुत तेज़ है, तो पानी की भरपूर मात्रा शरीर के अंदर होनी चाहिए। बाहर से पानी पीते रहें और जो भी हमारे जो घर के अंदर जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे शिकंजवी है, लस्सी है, छाछ है, सत्तू है, तो इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फल खाने चाहिए, सलाद खाने चाहिए। उन फलों में, सलाद में जो आजकल कुदरत ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, उनके अंदर पानी की भरपूर मात्रा होती है, तो इसका खूब से खूब सेवन कीजिए। ये ठीक है कि बाहर से लोग सभी प्रकार के जूस और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब पीते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि वो साफ़ हों बिल्कुल, और ज़्यादा जोर हमें पानी पे और जो प्राकृतिक चीज़ों पे ही हमें देना चाहिए। सर, खुले में पेय पदार्थ जो है आजकल गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है बिक्री हो जाती है उनकी, और लोग इसका सेवन भी ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों को सर क्या एडवाइस करें? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका हमें यही ध्यान रखना है कि वो साफ़ होना चाहिए। उसके अंदर बर्फ़ अगर यूज़ हो रही है, बर्फ़ इस्तेमाल हो रही है, तो ना ही करें तो बेहतर है। घर के अंदर से ही साफ़ सुथरे पानी से, फ्रिज में जो बर्फ़ बनती है वो लीजिए, पानी पीजिए। बाहर का खाना बचना चाहिए कायदे से, लेकिन शरीर के अंदर पानी की कोई कमी ना हो पाए, दूसरा पहला। इसके अलावा हमने सरकार के आदेशों के अनुसार हमने सैंपलिंग भी कराई है, पानी की सैंपलिंग भी कराई है, बर्फ़ वालों की सैंपलिंग भी कराई है, डिफरेंट स्कूलों में भी जाके सैंपलिंग कराई है, तो उसका एक उपक्रम चलता रहता है। इसके साथ साथ हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, पुलिस से, ट्रांसपोर्ट से। हमने अपने सभी हॉस्पिटल्स में ORS के काउंटर्स बनाए हैं। हमारी जो एम्बुलेंसी चलती हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसमें भी ORS के पैकेट्स हमने रखे हैं, और जनता को जो दवाइयाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, महानिदेशक महोदय की तरफ से भी हमारे पास आदेश आए थे कि हाइपरथर्मिया रूम्स बनाए जाएँ हॉस्पिटल में, तो उनको भी बना दिया गया है। सर, क्या कुछ जो बीमारियां होती हैं इस सीज़न में वो फैलने का डर बना रहता है, और क्या कुछ उपाय रहते हैं इसके लिए? देखिए, गंदे पानी से जो डर रहता है वो उल्टी, दस्त का डर रहता है, पीलिए का डर रहता है, खासकर तो इन्हीं चीज़ों का डर रहता है, तो इन चीज़ों से परहेज रखें और साफ़ सुथरा पानी पिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश सहल, सीएमओ अंबाला, जिन्होंने बताया कि जो खुले में पेय पदार्थ बिक्री हो रही है जिनकी, उनका सेवन ना करें। घर में जो तरल पदार्थ अवेलेबल हैं पीने के लायक, तो उन्हीं का ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाए। धन्यवाद। देखते रहिए जनता टीवी।